सो व्हाट्स अप गाइस, एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ डाउट मेरे माइंड में था और जो मैं एक पॉइंट ऑफ डाउट क्लियर कर दूंगा आज और आपके माइंड से भी क्लियर कर दूंगा कि एक जो चीज़ जिसने मेरे को रोक के रखा कि जो मेरे माइंड में पॉइंट ऑफ डाउट रहा कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए इंटरनेशनल स्पीकर तो भी तब भी माइंड में थोड़ा सा ये था कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और अब जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको अपलोड करने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप लोगों के भी जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता, दैट डजंट मैटर कि आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते, इफ़ यू गॉट अ चांस जस्ट डू इट। आप स्टेप अप करो, आप आगे बढ़ो, जस्ट डू इट। बिकॉज एक चीज़ को वेरी क्लियर रखो माइंड में कि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और परफेक्शन होने के बाद आप वीडियो बनाओगे, मतलब आई मीन परफेक्ट होने के बाद आप लाइफ में कोई भी काम करोगे तो आपकी फिर उम्र ही निकल जाएगी। फिर आप सोचते ही रह जाओगे कि आप करोगे 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 करोगे, अब मैं परफेक्ट होऊंगा, अब मैं परफेक्ट होऊंगा। आप अपने क्राइटेरिया सेट करते रहोगे फिर कि ये मेरा क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, जस्ट डू इट। मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया, क्योंकि जो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी यूट्यूब पर, क्योंकि एक माइंडसेट में ये था कि यार अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ, पिक्चर क्वालिटी ऐसी है, ठीक है, बैकग्राउंड ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक्चुअल में बताऊँगा कि जो लोग आते हैं, देखो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग अभी इस मुकाम पर अभी नहीं है कि जो ये सारी चीज़ें कर सकें, लेकिन इफ़ यू गॉट राइट इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ आपके पास है और सही तरीके से आप एंटरटेन कर सकते हो लोगों को, या आपके पास एजुकेशनल नॉलेज सही है तो आप बता सकते हो, और आई गेस लोग सुनेंगे भी, और लोगों का उससे फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली लोग सुनेंगे। तो ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस करी, क्योंकि मेरे मेंटर खुद, जब मैंने उनको देखा कि उनकी एज ज़्यादा नहीं है और ही इज़ अ बिलियनेयर, और अभी पास्ट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे को काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बुलाया और मेरे से एजुकेशनल ट्रेनिंग ली, तो आई गॉट अ बिट कॉन्फिडेंट कि मेरे पास अब शायद थोड़ी नॉलेज है। तो मतलब मैं अभी भी ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कोई ये हो जाऊँगा तब ये करूँगा, तो आप बहुत गलत सोचते हो मेरे भाई, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप ये हो जाओगे तो ये करोगे। आप अभी करो, आप अभी करो और आगे बढ़ो। उस क्राइटेरिया को कब होगा, कब मैं करूँगा, ऐसा मत सोचो, आप जस्ट अभी के अभी उसको कर डालो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन जस्ट डू इट। तो आप ये मत सोचो मैं परफेक्ट होने के बाद करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा मैं परफेक्ट होने के बाद उस चीज़ को करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जस्ट करो, करोगे मज़ा तभी आएगा। सो आज के लिए इतना ही, और अपने लिए भी, और मैं आपके लिए भी यही चीज़ बोलूँगा कि नोबडी इज़ परफेक्ट, जस्ट थिंक दैट इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली, अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो और करते हो तो आप अपने आप उसमें एक्सेल होते चले जाओगे। क्योंकि परफेक्शन की कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है एक पर्टिकुलर बीइंग के लिए कि वो कहे कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन वी कैन जस्ट ट्राई, वी कैन जस्ट इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। अगर मेरे पास नॉलेज है या कोई भी ऐसी चीज़ है एक्स वाई जेड एंटरटेन करने के लिए, तो वो चीज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो। सो थैंक यू सो मच, बाय। What's up guys? मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या हो गया भाई? क्या है? क्या है? भाई परेशान है, इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे लेटा रहेगा रात रात भर और ये करता रहेगा वीडियो बनाने से और अपने लाइफ में। चैन में तेरे को आए मेरे हीरे, मेरे लाल, मेरे पीले।
तो क्या देख रहा है बे, क्या है भाई? मैंने सही किया ना वीडियो बना के? बढ़िया। ये मेरा एक यूट्यूबर है और इसका चैनल है नर्डेस्ट केएस, और मैं चाहूँगा आप सब लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। ये लौंडा बड़ी मेहनत करता भाई, ये अभी 9th क्लास का लौंडा है। 10th? हाँ 10th में आ गया, सॉरी भाई मुझे नहीं, गलती हो गई, 10th में आ गया। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाता, मैं चाहूँगा आप इसको सपोर्ट करो, लाइक करो, लव करो, बहुत प्यार मोहब्बत दो इसको, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मज़े लो। सही बोला ना? सही बोला।